थाना पनकी पुलिस ने एक हफ्ते के अंदर हत्याकांड से उठाया पर्दा। अवैध संबंधों और ब्लैकमेल करने के चक्कर में हुई थी हत्या। हत्यारोपी बोले, समझाने के बाद भी नहीं मान रहा था दीपक। समाज में बदनामी की धमकी देकर दीपक रोज मांगता था पैसे। हत्याकांड में शामिल महिला समेत 3 अभियुक्त गिरफ्तार। घटना छिपाने पर 4 लोगों पर भी दर्ज हुआ मुकदमा। कानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, जुबैर खान के साथ। पप्पू नामक व्यक्ति की हत्या हुई थी, ये भी ब्लाइंड मर्डर था। इसका भी सफल खुलासा थाना पनकी पुलिस ने किया है। इसमें भी वहाँ के ACP, एडिशनल DCP और DCP, इनका अत्यंत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रहा है। इन्होंने घटना घटित होने के समय से ही इसमें लग के पूछताछ की है। इस घटना में कुछ चमत्कारिक तथ्य भी सामने आए हैं, जैसे कई लोगों को घटना होने के संबंध में, घटना कारित करने वालों के संबंध में जानकारी थी, उनको थाने पर बुलाकर पूछताछ भी की गई, लेकिन उन्होंने इवन अधिकारियों को कोई बात नहीं बताई। लेकिन जब पुलिस ने अपने स्तर से अन्य तथ्य जुटाए हैं और फिर उनको क्रॉस क्वेश्चन किया है, तो तब उन्होंने कन्फेस किया। उनके विरुद्ध भी इसमें कार्रवाई की जा रही है। इसमें वो भी डिटेल्स आपको DCP साहब बता देंगे। इसमें 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं और जिन्होंने पुलिस का सहयोग नहीं किया है, जो घायल था जिसकी मृत्यु हो रही थी उसका सहयोग नहीं किया, उसको ना तो अस्पताल पहुँचाना, उसके संबंध में पुलिस को सूचना दी, न परिवार को सूचना दी, इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।